इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मौजूदा हालात में मुसलमान आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मजलूम कौम है। पूरी दुनिया में हर जगह पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार खुद मुसलमान है, अलग बात नहीं है। लिहाजा अगर हालात को बदलना है तो मुस्लिम माशरे को अपने आप में बदलाव लाना ज़रूरी है। इस्लाम तो जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और रहेगा, पर मुसलमानों के लिए कुछ दायरे मुकर्रर कर दिए गए हैं और शायद हमने उसे भुला दिया है। हर फर्द अपने हिसाब से, अपने मिजाज के मुताबिक इस्लाम मुसलमान के दायरे मुकर्रर करना चाहता है और वही करता रहता है। और अब तो कई सारे नामनिहाद दीनदार लोग भी किसी गुनाह को बुरा नहीं समझ रहे। ऐसा लगता है कि हमारा अल्लाह रसूल और कयामत से एतमाद धुंधला होता जा रहा, वरना हम इतने जलील तो कभी नहीं हुए और इससे पहले भी इतने जलील नहीं थे। आखिर हमने ऐसा क्या काम किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आसमान से खैर के फैसले करे, और खैर के फैसले नहीं हो रहे तो इसकी वजह हम खुद हैं। इतना काफी नहीं कि हम आधार कार्ड या राशन कार्ड में मुसलमान बनकर रह गए हैं और इसी पर हमें जन्नत का सर्टिफिकेट थाम दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई गुनाह का काम ना तो हमें छोड़ा है और ना ही कुछ बाकी रखा है। लिहाजा इस दौर फितन में हम जी रहे हैं और इसीलिए कहा गया था कि कयामत के आखिरी दौर में दिन पर चलना गोया हाथ में जलता हुआ अंगारा थामने के बराबर है। अगर माशरे की बुराइयों का जायजा लिया जाए तो शायद ही कोई शोभा होगा जिसमें हमने नेक कामों को अंजाम दिया होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराइयां ही हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ नेक कामों को अंजाम देने वाले लोग भी हैं, कुछ खिदमत खल्क का भी काम अंजाम दे रहे हैं। पर बुराई की चादर इतनी बड़ी है, इतनी फैली हुई है कि इसमें नेक कामों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है। हमारे बच्चों की तरबियत से लेकर मस्जिद की जमातों तक का निज़ाम अपना तवाजन खो चुके हैं। सिर्फ बेलगाम शहर की बात नहीं बल्कि जहां कहीं भी मुस्लिम माशरा आबाद है तकरीबन एक जैसी तस्वीर ही नजर आएगी। अल्लाह की नाराजगी कि हम मुस्तहक बनते जा रहे हैं। बहुत सारे मसाइल तो हैं, पर फिलहाल अगर खास तौर पर जिक्र किया जाए तो तलाक और खुला दो बड़ी मुसीबतों से माशरा जूझता नजर आ रहा है। खासकर यह भी देखा जा रहा है कि मियां बीवी में मोहब्बत तो रहती है पर कुछ अतराफ के लोग इसमें जहर घोलकर तलाक और खुला तक का मामला ले जाते हैं। कुछ घरों में बेटियों को सही तालीम नहीं दी जाती, जिसके बिना पर सास ससुर को वालिदैन की नज़र से देखने की बजाय नफरत भरी नज़र से देखा जाता है। छोटी छोटी बातों पर माँ बाप के यहाँ जाना और फिर माँ बाप भाई की तरफ से हिमायत हासिल करना गोया एक परिवार को तोड़ने का जरिया बन जाता है। दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि बहू से सही रवैया अख्तियार नहीं किया जाता। जो बहू घर में आई है वो भी किसी की बेटी है, ख्याल तक हमें नहीं रहता। और यह तमाम बातें दीनी शऊर ना होने से भी होती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो दीनदार जाहिल भी इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं। बात आगे बढ़ती है तो रिश्ते तोड़ने वाले दलाल भी बैठे हुए होते हैं। उस बाप को मालूम कि एक बेटी की शादी किस हाल में करता है और बरसों तक उस शादी का कर्जा वो अदा करता रहता है और फिर बेटी फिर घर में आकर बैठ जाती है। तलाक या खुला के लिए शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर शरईया अदालत छोड़कर, मैं खास जिक्र करूंगा कि लोग शरईया अदालत तक तो पहुंचते नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं उन्हें जो पुलिस थानों का डर दिखाकर कर्मियाबियों को अलग कर दिया जाता है। कई मोहल्लों में सेटलमेंट दादा बैठे हुए होते हैं, 4-5 लाख की डिमांड की जाती है। कहने का मतलब यह है कि कुछ पैसों के लिए मामले को खींच कर तलाक या खुला की तरफ ले जाया जाता है। कितनी शर्म की बात है और किस कदर हम अखलाक की गिरावट में दस्ते जा रहे हैं। आज हर गली मोहल्ला इस परेशानी से दो चार है। दो चार घरों को छोड़कर तलाकशुदा लड़की नजर आ रही है। क्या हमारी औलाद के साथ अगर ऐसा होता है तो हम यही करते? आखिर क्या वाकई हमारे अंदर से अल्लाह उसके रसूल का डर निकल चुका है? एक तो ऐसा गिरोह भी बनता जा रहा है कि दीनदार होने का दावा तो करता है और गुनाह में भी मुबतला है, और यह तमाम माशरे में फैला हुआ है। अक्सर कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत बदलने का, और यही सच्चाई है। पर अफसोस के हम एक दूसरे को बदलते देखना चाहते हैं पर खुद बदलना नहीं चाहते। ऐसे कई मस्जिदें हैं जहां ना तो इमाम को मुख्तदी पहचानते हैं और ना ही मुख्तदियों को इमाम का कोई ताल्लुक। अजीब कौम है कि दीवार पर ही लिख देती है कि दीवार पर लिखना मना है। जरूरत है बदलने की, ख्वाब गफलत से
अगर अब भी ना जागे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, खासकर जो दीनी रहबर है उनसे यह इल्तजा गुजारिश है कि उम्मत को एक करने की कोशिश करें। दुनिया की मोहब्बत जो कूट कूट कर भरी हुई है, इसे इस नशे से बाहर आए ऐसे पुरफितन दौर में भी मुस्लिम माशरा गफलत में है, जबकि हमारी बर्बादियों के चर्चे आसमानों में है। जमातों को मजबूत करना होगा, क्योंकि मोहल्ले की जमातें बिल्कुल नाकारा बनती जा रही है, इन्हें मोहल्ले की खबर ही नहीं रहती। नौजवान नस्ल देर रात तक मोबाइल की दुनिया में बर्बाद होता जा रहा है। घर की बेटी घर की इज्जत होती है, और माँ बाप को पता ही नहीं रहता कि बेटी बाजारों की जीनत बन चुकी है। बाप दीनदारी की बात करता रहता है तो बेटी टिकटॉक पर तमाशे करती रहती है। बेटा महंगी मोटरसाइकिल और महंगा मोबाइल लेकर अय्याशी में मुब्तला है, तो कहां से टिपू सुल्तान और कहां से सलाउद्दीन अय्यूबी माशरे में पैदा होंगे। अफसोस तो यही है कि हर दौर में अबू जहल तो पैदा होता जा रहा है, पर खालिद बिन वलीद पैदा नहीं हो रहा। चेहरे बदल बदल के दुश्मन तो हर जमाने में आते रहे और आ रहे, पर इस्लाम के शहदाइयों को पैदा करने में माएं माजूर हो चुकी हैं। माएं अपने पेट में बच्चों को कुरान सुनाती थी तो बिला वजू किए बगैर बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, तब जाकर घरों में दीन इस्लाम के शहदाई और वली पैदा हुआ करते थे। अब तो पहले रिश्ते ही निभाना मुश्किल हो गया है, और माओं का वक्त तो टीवी सीरियल और मोबाइल पर ही गुजरता है, लिहाजा इसकी कीमत हम चुका रहे। हमें चाहिए कि अब भी वक्त है जिम्मेदार छोटी छोटी बातों में इख्तलाफात करने की बजाय इत्तेहाद का मुजारा करें, वरना जो कीमत आने वाले दिनों में चुकानी पड़ेगी इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, और ना ही हमें आने वाली नस्लें माफ कर सकती है। सूरत शमशीर है दस्ते कजा में वाकौम करती है जो हर जमाने में अपनी अमल का हिसाब। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।